उधम सिंह नगर जनपद में 27 इनामी बदमाश की धरपकड़ के चल रहे अभियान के तहत एसएसपी के निर्देश पर सीओ पंतनगर और एसओजी टीम ने 10 वर्षों से फरार बदमाश को मुरादाबाद रोड लक्ष्मीपुर कटई यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। यहां वो अपने साथियों के साथ नाम बदलकर रह रहा था। इससे पहले भी उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। पंतनगर सीओ अमित कुमार के निर्देशन में एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सर्विलांस के आधार पर 10 वर्षों से 10,000 रुपए के इनामी बदमाश अनिल कुमार उर्फ गुड्डू को पकड़ा है। अभियान के तहत आज हमको एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। 10 साल से फरार 10,000 रुपए का इनामी है श्री अनिल कुमार उर्फ गुड्डू, वो हमें आज पकड़ में आया है और इतना अच्छा सफलता मिला है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि अभियुक्त अनिल कुमार वर्तमान में दलपतपुर थाना मुंदा पांडे मुरादाबाद क्षेत्र में अपने पुत्र लोकेंद्र के साथ नाम बदलकर रिटायर दरोगा गुड्डू के नाम से रह रहा था। वर्ष 2012 में उसके बेटे लोकेंद्र, कपिल, जितेंद्र द्वारा अपने चौथे साथी दीपक बिष्ट के साथ मिलकर होली चौक आवास विकास थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में दो लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसमें से एक घायल गौरव अरोड़ा की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायल मनोज पंत को 186 टाके आए थे। घटना में चारों अभियुक्त जेल गए थे। साथ ही बताया कि अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ गुड्डू द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर अपने बेटे कपिल और जितेंद्र को नाबालिग घोषित किया था। कागजात के परीक्षण के बाद फर्जी पाए जाने पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 में उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। तब से ही वो फरार चल रहा था। तो इनके अपराध के बारे में बात करें तो वर्ष 2012 में इनके ऊपर दो मुकदमे पंजीकृत हैं। असल में मुकदमा तो 420, 467, 68, 71 का है, पर उसके अपराध संगीन है। इनके दोनों बच्चे जो है एक ब्रूटल मर्डर में वांटेड थे, ब्रूटल मर्डर किए हुए थे। तो उस मर्डर को बचाने के लिए इसने जाली मार्कशीट बना के, जाली 10th का ये सब का बर्थ सर्टिफिकेट बना के उनको जुवेनाइल साबित करने में वो कर दिया गया। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो भी पता चला कि उनको तो नॉर्मल सज़ा हुई और नॉर्मल रूप से उनको ये कर दिया गया, प्रोसिक्यूट कर लिया गया। फिर इनके ऊपर भी ये FIR पंजीकृत कर लिया गया। तो जैसे ही पंजीकृत हो गया तब से ये फरार है। तो इस प्रकार से लगातार 10 वर्षों से फरार अपराधी को आज हमारे SOG टीम ने विशिष्ट रूप से खास मेहनत के बाद पकड़ा है। तो इसके लिए मैं SOG टीम की सभी टीम मेंबर्स को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जो इनाम का रकम है उसकी अग्रिम कार्रवाई है वो SOG टीम और इसी में जो टीम गिरफ्तारी में इन्वॉल्व थी उनमें आपको बांट दिया जाएगा। फिलहाल खुलासे के बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। आवाज इंडिया के लिए रुद्रपुर से तापस विश्वास की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।